प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को लगभग 5000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने जोधपुर पहुंचे हैं। इन योजनाओं में जोधपुर एम्स में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। मोदी ने पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार पर जोरदार निशाना साधा। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के ओबीसी दांव के जवाब में पीएम मोदी ने दो रोज पहले ही कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है। अब जोधपुर में प्रधानमंत्री ने केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि गरीबी क्या होती है ये वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी को जिया है। मोदी ने दावा किया कि 2014 के बाद से देश में गरीबी तेजी से कम हुई है, क्योंकि सरकार गरीबों के लिए नीतियां बना रही है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रामनवमी हो, हनुमान जयंती या फिर परशुराम जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हों। जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। मोदी ने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद लाल डायरी के काले राज खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोधपुर दौरा रणनीतिक तौर पर भी बेहद अहम है। जोधपुर डिवीजन में विधानसभा की कुल 33 सीटें आती हैं, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस के खाते में 16 सीटें तो बीजेपी के खाते में 14 सीटें आई थीं। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है और उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी की कोशिश है कि यहां अपनी ताकत बढ़ाकर कांग्रेस और गहलोत का मनोबल तोड़ा जाए, यानी जोधपुर में इस बार मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है। चुनाव आज तक।